हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार दास ऑन जेडी स्टॉक। फ्रेंड्स, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आपका नर्सिंग ऑफिसर हाजिर है, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि हमारे बीच में अभी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे, जो कि एमएस धोनी, छिछोरे जैसे बहुत अच्छी फिल्म दिए हैं हमको। वो उनके जैसा यंग एक्टर ऐसे सुइसाइड करेंगे हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम क्या कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि वह सुइसाइड कर सकते हैं। पर इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां पहुंच जाती है जैसे कि वह समझ नहीं पाते क्या सही और क्या गलत है। कभी कभी वह उस स्थिति में वह गलत कदम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी कोई सुइसाइड करता है वो कहीं ना कहीं इस तरह के मतलब जैसे कि साइकेट्रिक डिजीज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि मूड डिजॉर्डर, जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर मैनिक डिप्रेशन, इस तरह के कुछ साइकेट्रिक डिजीज है जो कि उन डिजीज से रिलेटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिन ब दिन हमारे मतलब जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ये सुइसाइड जैसी प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, बहुत ज्यादातर बढ़ने लगी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम अभी है हमारे पूरे वर्ल्ड में। सुशांत सिंह राजपूत पर्सनली मेरे तो बहुत अच्छे एक्टर थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। सो उनका मतलब सुइसाइड खबर सुनते ही मैंने सोचा मैंने इस तरह का कुछ वीडियो बनाऊं जैसे कि आपकी या फिर आपके जरिए किसी और की कुछ मदद हो सके। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई सुइसाइड कर रहा है, मतलब आपको पता चला कि वो सुइसाइड के लिए अटेम्प्ट किए हैं एक दो बार, या फिर आप उनके बात से आपको पता चलता है कि ये आगे जाकर कभी सुइसाइड कर सकते हैं, तो उनको हमें किस तरह से डील करना है, उनको हमें क्या करना है जिस वजह से कि उनको हम सुइसाइड की रास्ते से दूर ले सके, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारे चीज मैं बताऊंगा, ये सारे बातें मैं बताऊंगा, हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए और उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारे चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। सो फ्रेंड, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सुइसाइड कब क्यों करता है? अगर एक आदमी के मन में बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसे लगने लगे कि उसका जीने का कोई कारण ही नहीं है इस दुनिया में, तब एक आदमी सोचता है सुइसाइड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये अगर आपके सोच में, आपके मन में यह सोच आता है या फिर ये भावनाएं आता है, तो आपको ये सारे भावनाएं जरूर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप जिससे ज्यादा बिलीव करते हैं, आपका जो भी क्लोज रिलेटिव होता है, जैसे कि फ्रेंड्स, कोई भी आपके फैमिली मेंबर जिसे आप ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उनके साथ आप ये बात जरूर बांटे या फिर उनके साथ ये बात जरूर आप शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीने का कोई वजह नहीं है, ये बातें बताकर आपको जरूर आपको जीने का वजह मिल जाएगा। और इस तरह के सोच आता है तो आपके मन में, तो ये बात भी जरूर सोचिए, आप इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से लाए गए हैं, तो आप ऐसे ही अपने आप को नहीं खत्म कर सकते, तो ये जरूर सोचना। एक ही कारण के लिए आप सुइसाइड कर सकते हैं, पर अपने एनवायरमेंट के तरफ देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने चारों ओर देखिए, ऐसे बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको जो कि जीने का वजह है। सो ये जरूर सोचना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी के मन में ऐसा सोच आता है कि मुझे अब जीने का कोई वजह नहीं है, मैं सुइसाइड कर लूंगा, इस तरह का भावना आता है, तो आप जरूर किसी के साथ ये बात शेयर कीजिए कि आपके मन में क्या है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, आपके मन में क्या दुख क्या है, आप डिप्रेस्ड क्यों है, आप क्यों अकेला फील करते हैं, ये सारे चीज आपको डिस्कस करना होगा। अगर ये सारे चीज आप किसी को बताएंगे तो किसी तरह से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपका जो भावनाएं है, जो सोचने का तरीका है, वो बदल जाएगा जरूर।
तो ये जरूर कीजिए। अब रही बात, अगर फ्रेंड आपको लगे कि कोई सुइसाइड कर सकता है आगे जाकर, उसके बिहेवियर से पता चलता है या फिर उसके बातचीत से पता चलता है या फिर वो कुछ ऐसा काम करता है जिसे कि आपको लगे कि वो आगे जाकर भी ऐसा कर सकता है, मतलब सुइसाइड कर सकता है, तो अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिलता है तो आपको उसी उस जगह पर क्या करना है, उसको कैसे आपको डील करना है, आपको उसे क्या क्या बताना है और उसके साथ कैसे बिहेव करना है जैसे कि उसका मन से उस सुइसाइड का थॉट उसका मन से चला जाए, वो सोचना बंद कर दे। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको आके कोई इस तरह से बताता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, वो सुइसाइड कर लेगा, इस तरह का कोई बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, आप मतलब उसके फैमिली मेंबर को भी बता देना है कि ये इस तरह का सोचते हैं, तो उनको उनके पास ही रहना है हर वक्त और उनके मतलब गतिविधि को थोड़ा सा नजर रखना है अगर ऐसा कोई सोचता है या फिर आपको कोई बताता है। और फिर आप देख चुके हैं कि एक आदमी एक दो बार सुइसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो इसका मतलब है वो तीसरी और चौथी बार भी अटेम्प्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसको थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देना है उस आदमी को, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको ज्यादातर टाइम दे, उनके फैमिली के साथ रहने के लिए टाइम दे, उनके फैमिली उनके फ्रेंड्स के साथ ज्यादातर जैसे टाइम बिताए उस तरह का माहौल मतलब क्रिएट कीजिए। आपको ऐसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको जिस तरह से भी कोई ना कोई उनके पास रहना चाहिए। अगर ज्यादातर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगे तो उनको एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद कोई साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम होगा, कोई डिजॉर्डर होगा, तो उससे क्या होता है ना, आपके उन डॉक्टर के बताए हैं कुछ मेडिसिन भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिसिन देकर, ये कीजिए। और उनको कभी अकेला मत छोड़िए, ये बहुत डेंजरियस चीज है उनको अकेला छोड़ते हैं। तो ऐसे आप देखते हैं कोई सुइसाइड कर अटेम्प्ट किया है तो आपको उनके फैमिली के साथ उनको मिलाना है, उनको उनके साथ ज्यादातर टाइम बिताना है, उनके साथ सारे बातचीत करना है, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनको वो क्या चाहते क्या है और क्यों वो सुइसाइड करना चाहते हैं, इस तरह के खुलकर आपको बात करना है उनसे, जिससे कि उनके मन में थोड़ी सी परिवर्तन आ सके। इस तरह से करने में उनके मन में परिवर्तन जरूर आएगा। और आप इस तरह से बात कीजिए जैसे कि वो सुइसाइड उनके जो मन में जो सोच है सुइसाइड करने का वो दूर हो जाए। आप उनसे पूछिए क्या कारण है, क्यों वो ऐसा सोचते हैं, आप उस कारण को दूर करने के लिए ट्राई कीजिए उनके मन से। सो ऐसा करने से कुछ हद तक हम उस आदमी के सोच को बदल सकते हैं। तो ये रहेगा कुछ बातें, जैसे कि हम उससे बात करके उनके फैमिली से मिलाकर हर वक्त उनके साथ ही रहना है, तो ये करके हम किसी का जान बचा सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है ना फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई सोच रखता है सुइसाइड करने का या फिर आप देख चुके हैं कि वो एक दो बार अटेम्प्ट कर चुका है सुइसाइड, फिर मतलब बच गया है, फिर आपको क्या करना है, वो जहां पे रहते हैं या फिर उनके रूम या फिर आप उनके घर में जहां भी है उनके आसपास ऐसा कोई चीज नहीं रखना चाहिए जैसे कि वो अपने आपको हार्म पहुंचा सके, जैसे कि ऐसा इस तरह के ज्यादातर चाकू रस्सी इस तरह का कुछ, और उनको कहीं ऊंचा जगह पे नहीं रखना चाहिए, जैसे कि आपको उनको मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही रखना चाहिए, ठीक है। आप उनके उनपे पूरी तरह से नजर रखिए, उनके उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखना चाहिए और इस तरह का कोई भी चीज उनके आसपास नहीं रहने दीजिए जैसे कि वो अपने आपको हार्म पहुंचा सके। सो फ्रेंड ये बात जरूर याद रखिए, और इस तरह से करने से कुछ हद तक हम उनको बचा सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर वो कुछ मेडिसिन खाते हैं तो उनके पास ज्यादा मेडिसिन मत दीजिए, जितना खाते हैं उतना ही, मतलब उस तरह के कुछ ज्यादातर टैबलेट वगैरह उनके पास मत रख लीजिए, वो भी एक उस वजह से मैं भी वो कुछ ज्यादा टैबलेट खाने की कोशिश कर सकते हैं बाद में, तो इस तरह से ज्यादातर मेडिसिन वगैरह उनके पास मत रखिए। कोई भी शार्प चीज है जैसे कि चाकू छुरी या फिर कोई भी शार्प चीज है उनके उनके पास है उसको
निकल लेना है, उनके एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज करके हम उनको बचा सकते हैं, कुछ हद तक उनके सोच को बदल सकते हैं। उनके साथ ज्यादातर बातें कीजिए, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने भावनाओं को शेयर कीजिए, उनके भावनाओं को शेयर करने के लिए उनको बोलिए, जैसे कि वो भी बोल सके क्यों ऐसा सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सारे चीज कीजिए आप। तो ये जीवन कुछ वजह के लिए हमको मिली है, उसको इस तरह से हम खत्म नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये बात आप जरूर याद रखिए। सो फ्रेंड, ये मतलब इस तरह से आप किसी का जान बचा सकते हैं, और आपके मन में इस तरह का कोई सोच आता है तो जैसे मैंने बताया उस तरह से आप कीजिए। अगर कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम दिखी आप में, तो उनको कोई साइकेट्रिस्ट से जरूर ट्रीटमेंट करवा लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।